आपको याद है मैंने आपको बोला था कि नो कि वेरिएबल मास सिस्टम के लिए जब हम एफ इक्वल टू एम ए लिखते हैं तो वो गलत हो जाता है, याद है आपको? याद है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ तो सर, यहाँ पे वही सीखेंगे कि नो कि हाउ डू यू सी कि नो कि कैसे इस पूरे सिस्टम का फोर्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे आप। जैसे मान लेते हैं ना कि कोई भी एक सिस्टम ऑफ मासेस है, लेट अस से दिस इज सिस्टम ऑफ मासेस, इसकी मास मान लेते हैं एम है एंड दिस इज अ सिस्टम ऑफ मासेस, ठीक है। इस पे मान लो कि वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस मुझे किसी एक डायरेक्शन में मिल रही है, लेट अस से दिस इज द फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन सिस्टम। और अभी क्या है कि इसमें मान लो इसकी किसी एक डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी भी दिखा रखी है, सर इको हो रहा है, हो रहा है कोई अनम्यूट है शायद। बेटा किसी का, अगर ऑडियो अगर अनम्यूट है तो फिर म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ सर, अब किया। आ रहे हैं ना अभी आवाज? हाँ सर, हाँ सर, ओके ठीक है। अभी मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है हमारा किसी डायरेक्शन में वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब एक और मास हम ले लेते हैं, लेट अस से दिस इज डीएम, ठीक है। यहाँ पे जो एक मास दिखा रखा है मैंने, ये डीएम दिखा रखा है, और मान लो कि किसी भी एक रैंडम सा डायरेक्शन में ये आके मूव करता है, ठीक है। एंड दिस हैज अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ से यू रिलेटिव, ठीक है। तो इसका एक्चुअल वेलोसिटी अगर निकालोगे, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कि ये जो मास एम दिखा रखा है उसके रिलेटिव इसका वेलोसिटी एक यू रिलेटिव दे रखा है, या वी रिलेटिव आप कह सकते हो। तो इसकी वेलोसिटी एक्चुअल जो होगी वो होगी वी रिलेटिव एन प्लस वी होगी, ठीक है। ये वी रिलेटिव जो मैंने दे रखा है दैट इज रिलेटिव टू दी मास एम जो मैंने दिखा रखा है आपको, समझ आ रही है आपको? हाँ सर, मतलब मतलब मास एम के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, मास एम के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो फिर आपको डीएम मास का वेलोसिटी कितना दिखेगा, वी रिलेटिव, समझ आ रही है? वी रिलेटिव वेक्टर जो हाँ दिखा रखा है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मास डीएम विथ रिस्पेक्ट टू एम, ठीक है, ठीक है। अच्छा ओके अभी मान लो कि मैं पूरा का पूरा मतलब डीएम और एम को मिला के एक सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। ये लोग जब टकराएंगे तो फिर उस केस में मास एम का वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाएगा। एक डीटी टाइम में ये लोग टकरा गए मान लो, ठीक है। जस्ट टकराने के पहले का सिचुएशन है, टकराने के जस्ट बाद का सिचुएशन में ड्रॉ कर रहा हूँ। सो आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं कि आफ्टर डीएम मास स्टिक्स टू एम the velocity of system becomes v vector plus dv vector, मतलब dv का चेंज आ गया उसके आने से, ठीक है। तो अब ये सोच के देखो, अगर मैं m plus dm mass system को मिला के एक सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं, फॉर m plus dm सिस्टम, अगर इन दोनों को मिला के एक सिस्टम की बात करें तो इसके लिए तो नेट फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, हाँ सर, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि चेंज इन मोमेंटम कितनी आएगी, तो डीपी वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है, डीपी वेक्टर। तो फाइनल मोमेंटम में क्या लिखोगे आप, एम प्लस डी एम इंटू वी प्लस डी वी, ये फाइनल मोमेंटम है, एंड माइनस ऑफ एम इंटू वी एंड प्लस डीएम इंटू वी प्लस वी रिलेटिव। देखो आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है जो मैंने लिखा है, बस उसको कोरिलेट करके एक बार बोल दो, आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? बस मैंने चेंज इन मोमेंटम के लिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम लिखा है और कुछ नहीं किया अभी तक, किसी को कंफ्यूजन है तो एक बार बोल दो कि सर कंफ्यूजन है। बेटा आपको समझ आ रही है सबको? ठीक है, देखो अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर का कंपोनेंट्स को तोड़ रहा हूँ, ठीक है। सो डीपी वेक्टर को अगर लिखें, चेंज इन मोमेंटम लिख रहे हैं, सो दिस विल बी एम वी वेक्टर
plus m into dv vector plus dm into v vector plus dm into dv vector minus of m into v vector minus of dm into v vector minus of dm into v relative vector. सही है? अब देख लो एक बार यहाँ तक. Yes, yes. देखो क्या क्या कट रहा है, एक बार चेक करो क्या क्या कट रहा है. क्या एम वी और एम वी कट गया क्या? हाँ सर, डीएम वी डीएम वी भी कट जाएगा. एम डी वी, अच्छा नहीं एम डी वी नहीं, सॉरी डीएम इनटू वी और डीएम इनटू वी कट रहा है. ठीक है, और डीएम इनटू डीवी वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, क्या ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दो बहुत ही छोटे नंबर का मल्टीप्लीकेशन है ना. डीएम डीएम खुद छोटा है और डीवी भी छोटा है, तो डीएम और डीवी का प्रोडक्ट तो और भी बहुत छोटा हो जाएगा ना. अब देखो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या बन रहा है. सो देयरफॉर डीपी वेक्टर अगर सिस्टम के लिए निकालते तो दिस वुड बी एम इनटू डीवी वेक्टर एंड माइनस ऑफ डीएम इनटू वी रिलेटिव वेक्टर. सही है? सो अगर मैं डीपी बाई डी टी कैलकुलेट करता, डीपी बाई डी टी, तो ये रहता एम इंटू डी वी बाई डी टी एंड माइनस ऑफ डी एम बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव. यही होता? ओके, डीपी बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. वो क्या होता है? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम. और उसको देखो मैंने क्या माना था, देखो इस डायग्राम में एफ माना था, वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम. यही बेसिकली आपका फाइनली एंड रिजल्ट है जो आपको याद रखनी है. ठीक है, तुम देखो पहले आप क्या करते थे, एफ इक्वल टू एम एस एफ लिखते थे ना. बट अब एफ इक्वल टू एम ए के साथ आपको एफ के साथ आपको एक और चीज ऐड करनी है, और वो जो ऐड कर रहे हो आपको कौन है, डीएम बाई डीटी टू वी रिलेटिव ऐड कर रहे हो ना. डीएम बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव जो है फोर्स का ही डायमेंशन है, फोर्स का ही डायमेंशन है. ये जो आ रही है इसको एक थ्रस्ट कहते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ अ थ्रस्ट. ये जो हमने दिख रखा है ये वी रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी टी, इसको थ्रस्ट कहते हैं. मतलब एक झटके की तरह लगता है, दिस इज थ्रस्ट. जैसे अगर सोच के देखो, जैसे वेरिएबल मास सिस्टम जैसे कैसे हो सकता है, ऐसे सोच के देखो. जैसे इमेजिन करो कि आप एक बहुत ही मोटा सा ब्लैंकेट ओढ़ के रखे हो. ठीक है, बहुत ही मोटा सा ब्लैंकेट है, और इमेजिन करो कि कोई उधर से आपकी तरफ पानी एक पाइप से फेंक रहा है, पानी पाइप से फेंक रहा है. तो फिर आप सिंस ब्लैंकेट ओढ़े हुए मोटा सा, तो वो ब्लैंकेट पानी को अब्सॉर्ब कर लेगा ना. हाँ सर, करेगा. हाँ सर, और पानी को अगर अब्सॉर्ब किया तो आपका जो मास है आपके सिस्टम का, क्या वो वेरिएबल हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर. तो आपके आप सोच के देखो, उस जो आपके ऊपर पानी लग रहा है वो गोली की तरह ही तो है ना, लगातार ऐसे सोच के देखो कोई कंटिन्यूअस आपके ऊपर गोली मार रहा है, यही सिचुएशन है. तो उस केस में कितनी ये जो गोली जो लग रही है उसकी वजह से एक इंपल्सिव फोर्स लगे या नहीं, सोच के देखो, झटके की तरह लगे या नहीं लगे आपको? समझ आ रही है? उसी को बेसिकली थ्रस्ट कहते हैं. ये बेसिकली इस तरह के फोर्सेस जो होते हैं, ये इंपल्सिव फोर्सेस जो जनरेट होते हैं, ये बेसिकली थ्रस्ट की तरह होते हैं, मतलब धक्के की तरह लगेगा आपको. अब ये धक्का आगे की तरफ भी हो सकता है, पीछे की तरफ भी हो सकता है. आगे और पीछे का मतलब क्या है, जैसे एक चीज देखो, ये जो थ्रस्ट जिसको हम कह रहे हैं, ये या तो वी रिलेटिव के डायरेक्शन में होगा या वी रिलेटिव के ऑपोजिट होगा. दो केसेस, दो पॉसिबिलिटी है. पहला पॉसिबिलिटी ये है कि वी रिलेटिव के डायरेक्शन में, वो कब होगा, जब मास सिस्टम का बढ़ रहा होगा. जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, सोचो जैसे अगर आपको कोई गैनन जैसे पानी से कोई शूट कर रहा है, मान लो आपको पानी से शूट कर रहा है, तो पानी से जब शूट करेगा तो आपको धक्का पानी के डायरेक्शन में ही लगे या नहीं लगेगा? समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं मैं? तो ऐसे सोच के देखो, जैसे जैसे विजुलाइज करो, ये सब चीज आपको तो विजुलाइज करना पड़ेगा.
ये देखो, जैसे ये है, सोचो देखो, अब यहाँ से इमेजिन करो कि कोई ऐसे एक पाइप से आपके ऊपर पानी डाल रहा है, ऐसे सोचो, ऐसे पानी डाल रहा है आपके ऊपर, तो आपकी रिलेटिव मतलब आपकी अगर वेलोसिटी वी है मान लेते हैं, ठीक है, और ये पाइप की वेलोसिटी भी वी है, बट पानी की वेलोसिटी वी वेक्टर प्लस वी रिलेटिव है, वी प्लस वी रिलेटिव। तो सोच के देखो आपको पानी क्या दिखेगा, आता हुआ दिख रहा है ना, दिख रहा है, समझ रही है? तो आपको धक्का क्या राइट की तरफ लगेगा नहीं लगेगा, बताओ मुझे, समझ आ रही है? तो वो किसके डायरेक्शन में है, क्या वी रिलेटिव के डायरेक्शन में है या नहीं है? समझ आई आपको? तो यही मैं बोल रहा था कि अगर मास ऑफ सिस्टम बढ़ रही है, अगर मास ऑफ सिस्टम बढ़ रही है तो उस केस में जो थ्रस्ट का डायरेक्शन होगा वो बेसिकली आपका वी रिलेटिव के डायरेक्शन में ही होगा। बट यही चीज उल्टा भी हो सकता है, अगर मान लो मास सिस्टम की घट रही है तो डीएम बाई डी टी नेगेटिव आएगी ना? यस सर, यस सर। अगर डीएम बाई डी टी नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ आप वी रिलेटिव सोचो, तो क्या हो गया, डायरेक्शन उल्टा हो गया? नहीं, हाँ सर, एग्जैक्टली सोचो, यही चीज सोचो जो रॉकेट प्रोपल्शन में होता है, क्या यही नहीं होता है? रॉकेट प्रोपल्शन में जो फ्यूल बर्न करते हैं तो उससे एकदम ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ यू नो फ्यूल जो है वो नीचे बर्न करके हम बेसिकली बाहर निकालते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जब फ्यूल बर्न करके बाहर निकाल रहे हैं तो उसका एक थ्रस्ट ऊपर की तरफ आएगा, नहीं आएगा? हाँ, है ना, समझ आ रही है? क्योंकि मास उस केस में क्या घट रही है। आपने कभी ये नोटिस किया आपके हाथ में कभी आपने बलून फुलाया हो और अचानक से आपके हाथ से छूट जाए, उसका मोशन कभी ऑब्जर्व किया? अगर आप बलून को वर्टिकली पकड़े हो ऐसे तो वो ऊपर की तरफ शूट कर जाता है अगर हाथ से छूट गया तो, नोटिस किया है कभी? क्यों? क्योंकि नोजल जो है वो नीचे है, नोजल जो है वो नीचे है, और नोजल अगर नीचे है तो गैसेस भी नीचे की तरफ इजेक्ट आउट हो रहे हैं, तो मासेस क्या हो रहा है, इजेक्ट आउट हो रहा है, इजेक्ट आउट हो रहा है मतलब मासेस घट रही है, मासेस घटेगी तो जिस तरफ इजेक्ट आउट हो रहा है मास उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट होगा, तो मासेस नीचे इजेक्ट हुए तो फिर थ्रस्ट किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। Are you getting it? सर जब कभी कभी जोर से छींक आती है तो सेम चीज होता है सर। हाँ बिल्कुल वही चीज है, वही चीज है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जैसे जब आप छींकते हैं तो बेसिकली आप मास्क को तो बेसिकली आगे की तरफ ही यू नो फेंकते हैं, बेसिकली आप मास्क को आगे की तरफ फेंकोगे तो आपको क्या होगा, पीछे की तरफ आप यू नो रिकॉइल करोगे। बट ये चीज जो मास्क का आगे की तरफ फेंकने वाला जो चीज आप बोल रहे हैं ना, जो छींक में बोल रहे हैं, वो कंटिन्यूअस तो नहीं होता है ना? मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो कंटिन्यूअस चीज की बात कर रहा हूँ, आप जो छींक वाला चीज बोल रहे हो उसको जस्ट मोमेंटम कंजर्वेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हो आप, मोमेंटम कंजर्वेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि आगे मैंने फेंका कोई चीज तो पीछे बेसिकली मैं रिकॉइल करूंगा, उससे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना? बट यहाँ पे मैं आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि कैसे कैलकुलेशंस करनी है। तो अब आपको समझ आइए कि जब भी वेरिएबल मास सिस्टम होगा तो एफ इक्वल टू एम ए जो आप करते थे वही काम करना, बस नेट फोर्सेस के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म आप थ्रस्ट वाला ऐड करना जिसकी वैल्यू वी रिलेटिव इनटू डीएम बाय डीटी होगी, ठीक है? और ये वी रिलेटिव इनटू डीएम बाय डीटी जब आप कर रहे होंगे तो बेसिक चीज का ये याद रखना कि जो फोर्स का थ्रस्ट का डायरेक्शन है वो वी रिलेटिव के डायरेक्शन में ही होगा अगर मासेस सिस्टम की बढ़ रही है, और अगर मासेस सिस्टम की घट रही है तो फिर वी रिलेटिव के ऑपोजिट होगा। ठीक, समझ आ गई सबको? हाँ सर। सो दिस थ्रस्ट फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज दिस इज v relative into dm by dt, ठीक है? अब ये चीज का जस्ट मैं ध्यान रखने के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि डायरेक्शन कैसे ध्यान रखेंगे। The direction of thrust will be in पहला direction of v relative if masses are getting added to the system, and dusra opposite to the direction of v relative if masses are getting ejected out of system, ठीक है। अब जैसे इसके एप्लीकेशन आपको दिखाता हूं,
सबसे पहले तो आपका रॉकेट प्रोपल्शन ही है, रॉकेट प्रोपल्शन। मान लो कि यहाँ से बहुत सारा फ्यूल हम बर्न कर रहे हैं नीचे की तरफ, और इस फ्यूल के बर्न करने का रेट जो है वो मुझे दे रखा है। मान लो कि यहाँ पे दे रखा है फ्यूल इज बर्न्ड एट द रेट ऑफ dm बाई dt, या ऐसे कर लेते हैं अल्फा केजीज पर सेकंड, अल्फा केजीज पर सेकंड। ठीक है, ये बेसिकली रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ मासेस होगा। ठीक है, इस रेट से आप मासेस को इजेक्ट आउट कर रहे हैं, मतलब रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैसेस है ये, इजेक्शन ऑफ गैसेस। और उसने एक और चीज आपको ये दे रखा है कि द रिलेटिव वेलोसिटी of the gases with which they eject out of system, they eject out of rocket is v not मान लेते हैं, या v relative लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए मान लेते हैं कि इसका मास हमें supposedly m दे रखा है। Let us say this is m not, initial mass है, m not is initial mass of the rocket, initial mass of rocket। अब मान लो आपसे पूछे क्यों कि इसको लिफ्ट करने का कंडीशन क्या होना चाहिए, जस्ट लिफ्टिंग का कंडीशन पूछ लिया, तो लिफ्टिंग का कंडीशन क्या होगा, थ्रस्ट ऊपर की तरफ एक आएगा, थ्रस्ट ऊपर की तरफ, और ये थ्रस्ट की वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, v relative into dm by dt, v relative तो मुझे दे रखा है, और dm by dt भी देखो अल्फा दे रखा है, दे रखा है ना हमें अल्फा kg per second, दिया है ना। तो ये थ्रस्ट अगर mg से बड़ा हो गया तो क्या लिफ्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कंडीशन लिखोगे, सो टू लिफ्ट द रॉकेट, मतलब लिफ्ट करने के लिए कितना रेट से आप कंज्यूम कराना पड़ेगा ये आपको पता चलता है कि थ्रस्ट की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। थ्रस्ट की वैल्यू आप लिख लिया यहाँ पे v रिलेटिव into dm by dt, dm by dt का वैल्यू भी आपको दे रखा है अल्फा है, इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा बेसिकली क्योंकि मासेस घट रही है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg, इसका मतलब v रिलेटिव into अल्फा दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। समझ आया आपको सर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन mg होना चाहिए ना। नहीं, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस में ना बेटा, जैसे ऐसे पूछते हैं कि बताओ कम से कम किस रेट से मुझे इजेक्ट आउट करना पड़ेगा सच कि मैं रॉकेट को ऊपर उठा पा रहा हूं, तो जस्ट उठाने के लिए क्या कंडीशन होगा, जस्ट उठाने के लिए सर, लेकिन इक्वल हो जाएगा तो मतलब ना ऊपर ना नीचे ऐसे हो जाएगा। देखो ऐसे सोच के देखो, जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ ये सब चीजें ना थोड़ी सी मैंने डाइसी सिचुएशन होती है। जैसे अगर मान लो कि तुम अगर जस्ट इक्वल मैंने जस्ट इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए जो चाहिए, जस्ट इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए मतलब नॉर्मल रिएक्शन को जीरो करने के लिए जो चाहिए, देखो इसमें एक चीज तो पक्का है ना कि इसके इसमें नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। होगा नहीं होगा? हां सर, अगर तुमने थ्रस्ट की वैल्यू को अगर mg से इक्वेट कर दिया तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो कर दिया तुमने नीचे से, है ना। हां सर, और नॉर्मल रिएक्शन जीरो हुआ उसी को जस्ट लिफ्टिंग का कंडीशन कह रहे हैं, क्योंकि अगर लिफ्ट नहीं होता तो उस केस में नीचे के सर्फेस से कॉन्टैक्ट बना होता या नहीं बना होता? हां सर, समझ आ रही है सर? हाँ। अगर नीचे के सरफेस से कांटेक्ट बना होता, अगर लिफ्ट नहीं हुआ होता तो फिर नॉर्मल रिएक्शन आता या नहीं आता? हाँ, अगर नीचे के सरफेस से चिपका हुआ है तो फिर तो नहीं आता। तो वही तो बोला मैंने, नीचे के सरफेस से अगर चिपका होता तब तो नॉर्मल रिएक्शन आता है ना बाबा। उफ, क्या बोलता, नहीं आता। अगर नीचे के सरफेस से चिपका हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन, हां 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 हां, तो ऊपर की तरफ ठेलेगा। सही है, सॉरी सॉरी सॉरी,
ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ। और वैसे भी ऐसे क्वेश्चंस में ना, जैसे अगर सोचो मान लेते हैं कि जस्ट इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए तुमने जो फोर्स माने जो वैल्यू निकाला, मान लो माने रेट ऑफ रिजेक्शन ऑफ मासेस, मान लो कि नो कि यू नो 100 केजी पर सेकंड का एक वैल्यू तुमने निकाला, तो 100 केजी पर सेकंड से अगर मान लेते हैं कि वैल्यू है, तो अगर मैं बोलूं कि 100 केजी पर सेकंड से वो इक्विलिब्रियम पे रह रहा है, तो 100.00000000001 केजी पर सेकंड से अगर रिजेक्ट करे तो भी क्या लिफ्ट हो जाएगा? नहीं, हां सर। ओके, 100.00000000000001 केजी पर सेकंड से इजेक्ट करें तो भी लिफ्ट हो जाएगा? नहीं, हाँ सर। अब तुम अगर थक नहीं रहे हो तो 0000 डालते जाओ, और तब तक डालते रहना जब तक तुम थक नहीं जाओ, और थक जाओ तो फिर से उसमें और जीरो डालना, उसके बाद लास्ट में वन ऐड करते चले जाना। तो क्या इनकी वैल्यूज को तुम ऑलमोस्ट सेम बोलोगे? नहीं बोलोगे। हाँ, तो तुम्हारा वैल्यू जस्ट बड़ा भी हो गया और पुराने वैल्यू के जैसा भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो ये सिचुएशंस बेसिकली वैसे होते हैं कि जैसे अगर बोले कि नो जस्ट लिफ्ट करने के लिए हमें कितना वैल्यू चाहिए, तब भी इक्वेट कर देंगे, और बोले कि मैक्सिमम रेट ऑफ इजेक्शन कितना होना चाहिए ताकि लिफ्ट ना कर पाए, तब भी उसको वही वैल्यू से इक्वेट करेंगे। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि 100 केजीज पर सेकंड में अगर इजेक्ट आउट हो रहा है, मतलब वो ऊपर उठ जा रहा है, तो मैं बोलूं कि कितने रेट से इजेक्ट करें कि ना उठे, तो अगर मैं बोलूं 99.99999999999999 केजीज पर सेकंड से भी अगर इजेक्ट करें तो क्या उठेगा वो? नहीं सर। अब 99.99999999999 लाख बार डाल दो और उसके बाद फिर क्या इजेक्ट करेगा वो, उठ के क्या उठेगा वो? नहीं सर। समझ आ रही है? तो ये जो 100 वाली वैल्यू आ रही है वो जस्ट लिफ्ट करने वाला भी कंडीशन है और जस्ट नहीं लिफ्ट करने वाला कंडीशन भी है। अच्छा, समझ आ रही है? हाँ सर। वो दोनों हाँ, तरफ में यूज होगा। हाँ बोलो, कोई पूछ रहा है कुछ? कोई कुछ पूछ रहा था शायद, बोलो। कोई कुछ पूछ नहीं रहा, ठीक है। चलो अभी इसमें मान लेते हैं, हमें एक और चीज पूछा है, उसने बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट बताओ अगर लिफ्ट कर गया है 30 सेकंड्स के बाद कितना होगा। तो ये मान लेते हैं टी इक्वल टू जीरो का है, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद मान लेते हैं रॉकेट जो है वो हवा पे पहुंच चुका है, इट हैज ऑलरेडी रीच्ड एयर, इसका मास घट चुका होगा या नहीं घट चुका होगा? हां सर, मास घट चुका होगा ना? हां सर, क्योंकि मासेस तो इजेक्ट आउट हो रहे थे, तो आपको यहाँ पे इस इंस्टेंट पे इसका मास कितना है वो लेना पड़ेगा। इजेक्शन का रेट उसने ऑलरेडी कह रखा है कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो वो वी रिलेटिव ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, वही वाली वैल्यू चूज करना है, और थ्रस्ट अभी भी आपकी इस तरफ लग रही है ऊपर की तरफ, का फोर्स कांस्टेंट ही रहेगा, तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, दिस विल बी द एक्सेलरेशन, ये टाइम टी का है। तो एक्सेलरेशन अगर पूछे आफ्टर टाइम टी, एक्सेलरेशन टी सेकंड्स लेटर, ये चाहिए मुझे। तो अब कंडीशन क्या लिखोगे? पहला चीज तो ये निकालनी है, तो अब वैल्यू क्या लिखोगे? थ्रस्ट फोर्स ये ऊपर की तरफ है माइनस एम जी, दैट शुड बी इक्वल टू एम ए, सही लिखा है मैंने, है ना? तो यहाँ पे आएगा v relative और dm by dt तो आपको अल्फा दिया हुआ है, माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू m हो जाएगा। जैसे ये ध्यान रखना है आपको, वेयर m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले था m नॉट n माइनस ऑफ अल्फा t हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अल्फा kg पर सेकंड से आप इजेक्ट आउट कर रहे थे और टाइम t के तक आपने इजेक्ट किया है, तो फिर अल्फा t से मास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वही वैल्यू बचेगा। समझ आई आपको? हाँ सर। तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी, सो एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी v relative into alpha divided by m and minus of g हो जाएगा, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। चलो ये तो rocket propulsion का theory हो गया, दूसरा देखो। force required to hold a pipe from recoiling. अब देखो ये सिचुएशन है, मान लेते हैं कि जैसे ये एक पाइप है, मान लो इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे दिया हुआ है, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को ए मान लेते हैं, ए इज द cross-sectional area of pipe, and इस पाइप से मान लो यहां से लिक्विड बाहर निकल रही है,
ठीक है, इसमें जस्ट लिक्विड लिक्विड का फ्लो रेट जो है वो आपका v वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी v, फ्लो वेलोसिटी इसको कहते हैं, और जो लिक्विड की डेंसिटी है उसको रो मान लेते हैं, दिस इज रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आपने कभी पाइप को होल्ड किया जिससे पानी बाहर निकलता है, कभी होल्ड किया है? हाँ सर, हाँ सर, बड़ा नहीं, नहीं छोटे साइज में भी चलेगा, छोटे साइज में भी चलेगा, या कभी आपने ऐसे छोटे साइज का भी जो पाइप होता है उसको भी कभी अगर टैप खोल के छोड़ दिया और जमीन पे रख दिया है तो तुम देखोगे वो ना वो सांप की तरह पीछे की तरफ रिकॉइल करता है, ये नोटिस किया है कभी? हाँ सर, हाँ सर, मतलब पाइप में अगर पानी निकल रही है तो वो थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे सांप की तरह भागना शुरू कर जाता है, नोटिस किया है? और नहीं तो, और अगर कभी कभी आपने अगर पाइप को अगर हाथ में भी होल्ड किया होगा तो आपको फील होगा कि वो यू नो वो पीछे की तरफ रिकॉइल कर रहा है, और रिकॉइल करने से रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पकड़ के रखना पड़ता है, मतलब आप जस्ट हाथ में ऐसे यू नो पाइप को रख नहीं सकते, पाइप को रखोगे हाथ में तो पीछे की तरफ रिकॉइल कर जाएगा, उसको पकड़ के रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे वही पूछ रहे हैं हमसे कि अगर मान लेते हैं कि एज एन एक्सटर्नल एजेंट आपको इस पाइप को होल्ड करना है, इफ यू वॉन्ट टू होल्ड दिस पाइप, तो आपको इसको होल्ड करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं ये डायग्राम ड्रॉ करूँ बेसिकली इसको होल्ड करता हुआ दिखाने के लिए, तो दिस इज एन एक्सटर्नल एजेंट जो उसको पकड़ के रखा हुआ है उसने, और उसको पकड़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उसमें रिकॉइल जनरेट हो रही है, और रिकॉइल नहीं करना चाहता है तो फिर उसको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिकॉइलिंग फोर्स किधर जनरेट होगी, ऑब्वियसली अगर मासेस बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो रिकॉइल किधर होगा जनरेट, फोर्स ऑफ रिकॉइल जो आएगा मतलब जो थ्रस्ट जनरेट हो रहा है वो बेसिकली क्या होगा, लेफ्ट की तरफ आएगा, नहीं आएगा? आएगा सर। तो एज एन एक्सटर्नल एजेंट मुझे जो इसको पुल करना पड़ेगा वो किस तरफ, आगे की तरफ करना पड़ेगा, है ना, है ना? हाँ सर, ठीक है। तो ये आपका एक्सटर्नल एजेंट का पुल होगा, ठीक है, दिस इज एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स बाय डेफिनेशन किससे मैच करनी चाहिए, सिंस ये इक्विलिब्रियम पे है तो किससे मैच करना चाहिए, एफ रिकॉइल से मैच करना चाहिए, राइट। अब रिकॉइल कैसे निकालते थे आपको याद है, वी रिलेटिव इनटू डीएम बाय डीटी, है ना? वी रिलेटिव कितना है, वी तो है ना, है ना, पाइप के रिलेटिव देखो कितनी वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, वो v से निकल रहा है तो उसको v ले लिया। अब आपको dm by dt का सोचना है क्या लिखोगे, तो dm by dt निकालने के लिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम dv by dt लिख सकते हैं क्या, मास dm निकालना है तो क्या करेंगे, डेंसिटी टू वॉल्यूम करेंगे ना? हां सर, यस सर। तो dm मास का वॉल्यूम क्या होगा, dm मास का वॉल्यूम होगा डेंसिटी इनटू dv, dv वो वॉल्यूम होगा जो बाहर निकल गया होगा इन अ टाइम dt, समझ आई आप? एक चीज देखो, यहाँ पे देखो जैसे ये हमारे ट्यूब का ओपन एंड का क्रॉस सेक्शन था, सोचो ये t इक्वल टू जीरो पे जस्ट लिक्विड सोचो बाहर निकलना शुरू हुआ इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम dt, ये t इक्वल टू dt पे आगे बढ़ गया, सिंस फ्लो वेलोसिटी v था तो कितना डिस्टेंस ये आगे बढ़ गया होगा, v dt बड़ा होगा, तो इसके बीच में जो लिक्विड है क्या वही वॉल्यूम dv हुआ है, नहीं हुआ? तो क्या मैं एरिया से लेंथ को मल्टीप्लाई करके क्या dv निकाल सकता हूँ? तो dv जो वॉल्यूम आ रहा है वो कितना हो जाएगा, एरिया इंटू वी dt, स्मॉल v इज फॉर वेलोसिटी, कैपिटल v इज फॉर वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो जो आ रही है dv by dt वो कितनी आ रही है, एरिया इंटू वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। डायमेंशनली भी देखो मैच कर जाएगा, एरिया का डायमेंशन लेंथ स्क्वायर एंड वेलोसिटी का डायमेंशन लेंथ पर यूनिट टाइम, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, लेंथ क्यूब पर यूनिट टाइम हुआ, ठीक है। तो वहां से भी दिख रहा है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हो गया, तो इसलिए AV का जो वैल्यू है वो बेसिकली वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो दे रहा है। तो देखो इससे क्या मिल रही है आपको, वेलोसिटी इंटू डेंसिटी इंटू A इंटू V, एंड देयरफॉर जो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आ रही है जो कि रिकॉइल फोर्स से मैच कर रही थी मैग्नीट्यूड में, दिस बिकम्स रो ए इंटू बी स्क्वायर, समझ आइए सबको, ठीक है। तो इसको भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखिएगा कि पाइप में अगर यू नो डेंसिटी रो का लिक्विड फ्लो कर रहा है बाहर की तरफ वेलोसिटी वी से,
तो फिर रिकॉइल फोर्स जनरेट करता है जिसकी वैल्यू कितनी होगी, रो ए इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन एक जगह और आप देख सकते हो। जैसे इमेजिन करो अगर ऐसा सिचुएशन है, जैसे सोचो कि ऐसा सोचो एक पाइप है, इस रिजल्ट का एप्लीकेशन आपको दिखा रहा हूं। देयर इज अ पाइप व्हिच इज एज अ बेंट है, इन द फॉर्म ऑफ अ बेंट। ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा दे रहता है, ठीक है, दिस इज थीटा। एंड मान लो कि जो ऊपर वाला एंड है वहां से हम लिक्विड को अंदर घुसा रहे हैं, ठीक है, यहां से लिक्विड अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, और जो राइट मतलब नीचे वाला जो एंड है उधर से लिक्विड बाहर निकल जा रही है, ठीक है। तो देखो इधर से लिक्विड का मोमेंटम चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, आपको याद है वॉल से कोलिजन वाला मैंने कराया था, वॉल के साथ कोलिजन वाला कराया था, याद है आपको, ये वैसे ही सिचुएशन है, यस सर, है ना, ठीक है। तो इस केस में भी बेसिकली क्या हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर निकालोगे तो एक्जैक्टली सेम रिजल्ट ही आ जाएगा, यू नो। बट इससे एक बेटर तरीका देखो, अब हम उस रिजल्ट को यूज करते हैं जो अभी डिराइव किया है। देखो जो जिस एंड पे लिक्विड एंटर कर रहा है, जिस एंड पे लिक्विड एंटर कर रहा है वहां से एक थ्रस्ट फोर्स जनरेट होगा, और सिंस ये मास एड करवा रहा है तो सेम डायरेक्शन में जनरेट होगा या नहीं, होगा ही नहीं होगा। देखो इधर एक फोर्स जनरेट करेगा नहीं, ये समझ आ रही है, और जिस तरफ से बाहर निकल रहा है लिक्विड वो रिकॉइल फोर्स जनरेट कर रहा था, रिकॉइल फोर्स मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट कर रहा था, होता ही नहीं होता, हाँ सर होता ना। बट ये सोच के देखो जो फ्लो वेलोसिटी है वो मैंने सेम रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपका सेम रखा है, तो इजंट इट ऑब्वियस कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा। जो एफ दिखा रहे हो जो रिकॉइल फोर्स की तरह, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, रो ए इंटू वी स्क्वायर ही तो है, राइट, हाँ सर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, ये एंगल थीटा बाई टू और ये एंगल भी थीटा बाई टू, क्योंकि दोनों का बाइसेक्टर ही होगा, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं, तो ये कितना जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ इनटू क्या जाएगा, कॉस थीटा बाई टू होगा, नहीं होगा, हाँ सर, समझ आई आपको, हाँ सर, ठीक है ना। अगर कोई आपको बोले कि इस पाइप को होल्ड करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, तो एक्सटर्नल एजेंट को किस तरफ लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स सोचो किस तरफ लगाना पड़ेगा, क्या इस तरफ लगाना पड़ेगा, नहीं, ये होगा किसका फोर्स, फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, सो फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट विल बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ इनटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2, और एफ की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हैं, सो ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस ऑफ रो ए इनटू वी स्क्वायर एंड इनटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2, व्हाट द आईडिया, हां सर, किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है? नो सर, नो सर, ठीक है, ऐसे ही यू नो एप्लीकेशन पे बेस करके यू नो, जैसे एक और एक दो छोटे छोटे एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे इमेजिन करो, जैसे किसी ने कह रखा है कि यहाँ पे हमारे पास एक डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, और सोचो कि उसने कह रखा है कि ये डिस्क का मास कैपिटल है, और नीचे से हम क्या कर रहे हैं, नीचे से हम शॉट्स फायर कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, यू नो कंटिन्यूअसली हम शॉट्स फायर कर रहे हैं, और ये टकरा रहे हैं एंड देन ये रिबाउंड करके फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, एंड आई एम फायरिंग सच दैट एन बुलेट्स ऑफ मास एम small m are fired per second towards the disk. Find velocity with which it should strike the disk to keep the disk in
इक्विलिब्रियम। आपको समझ आ रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्वेश्चन समझ आ रही है आप लोगों को? तो देखो बुलेट अगर डिस्क को अगर स्ट्राइक करेगा तो उसको धक्का मारेगा या नहीं मारेगा? और धक्का अगर वो मार रहा है उसको ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियसली उसको बैलेंस कर सकता है। तो एक चीज पक्का है कि जो उसको इम्पल्सिव फोर्स जो मिल रही है डिस्क को, वो एमजी से बैलेंस करनी चाहिए। तो आप ये सोच के देखो कि यहाँ पे एक एक बुलेट का जो मोमेंटम का चेंज हो रहा है वो कितने का हो रहा है। अगर मैं मान लूं कि ये वेलोसिटी वी से आके स्ट्राइक करता है और ये इलास्टिक कोलिजन है, मतलब उसने दे रखा है कि यू नो रीबाउंड करता है सेम स्पीड से, ये मान लो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक मिनट लिख देता हूं मैं। अज्यूम बुलेट्स रीबाउंड विद सेम स्पीड, बुलेट्स रीबाउंड विद सेम स्पीड, सेम स्पीड से रीबाउंड कर रहा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो अभी देखो वी स्पीड से आया और वी स्पीड से गया, तो चेंज इन मोमेंटम अगर लिखो, चेंज इन मोमेंटम फॉर ईच बुलेट, ईच बुलेट के लिए कितने की मोमेंटम चेंज हुई, कितने की हुई है बताओ, कितनी हुई है? ट्वाइस ऑफ एमवी हुई, नहीं हुई है, हुई या नहीं हुई? ओके, और हमने कितने बुलेट्स फायर किए पर सेकंड? एन, है ना? तो अगर मैं पूछूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट्स कितना है, तो क्या बोलोगे आप? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट्स, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट्स, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम फॉर ईच बुलेट, चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर ईच बुलेट मल्टीप्लाइड विथ रेट ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ बुलेट। कह सकते हैं नहीं कह सकते? समझ आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। समझ आ रही है, नहीं आ रही आपको? हाँ सर। समझ आ रही है। ठीक है, जितने बुलेट्स आपके स्ट्राइक कर रहे हैं पर सेकंड, अगर मैं उनको मल्टीप्लाई कर दूं हर एक मोमेंट, हर एक बुलेट का मोमेंटम चेंज है, तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू अब आप क्या लिखोगे आप? सो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एमवी, ये आपका चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच बुलेट, एंड मल्टीप्लाइड विद एन बुलेट्स फायर पर सेकंड, सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेसिकली क्या हो गया? फोर्स एक्सर्टेड बाय द डिस्क ऑन द बुलेट्स पर सेकंड है, राइट? पर सेकंड से ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इसीलिए फोर्स हो गया इससे, एंड दैट फोर्स विल बी एक्सर्टेड बाय द बुलेट्स ऑन द डिस्क ऑल्सो, सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है दैट शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम इनटू जी होना चाहिए डिस्क के लिए, सो देयरफॉर 2mv into n that should be equal to capital M into g, and therefore यहाँ से आपको velocity मिल गई है, velocity becomes capital M into g divided by 2m into n हो जाएगा। समझ आई सभी को? Yes sir. Yes sir. हाँ sir. ठीक है. Okay.